नमस्कार दोस्तों, rebellionwatch.com पर आपका स्वागत है। खबर अब तेलंगाना से। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने हलचल तेज कर दी है। 7 दिसंबर को होने वाले मतदान से पहले आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू भी हो गया है। इसी कड़ी में AIMIM के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है। उन्होंने एक रैली में कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने निर्मल में रैली रद्द करने के लिए मुझे 25 लाख रुपए की पेशकश की थी। उनके घमंड का इससे ज़्यादा क्या सबूत चाहिए। मैं वैसा शख्स नहीं हूं जिसे खरीदा जा सके। हैदराबाद से 3 बार के सांसद ओवैसी ने कहा कि कांग्रेस पर मैं जो आरोप लगा रहा हूं उसे साबित करने के लिए मेरे पास उसका ऑडियो क्लिप भी है। ओवैसी ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि मजलिस का जलसा रोकने के लिए 25 लाख रुपये का पार्टी फंड देते हैं, कांग्रेस की इस हरकत को आप क्या कहेंगे। यह उन्होंने अहंकार का निशान कहा। उन्होंने कहा कि ओवैसी मर जाएगा लेकिन अपना सौदा नहीं करेगा। मैं उन लोगों में से हूं जिसे कोई नहीं खरीद सकता। वहीं कांग्रेस नेता मीम अफजल ने ओवैसी के आरोप को सिरे से खारिज किया है और इसे बेबुनियाद बताया है। मीम अफजल ने कहा कि ओवैसी के पास कोई सबूत नहीं है और किसी सबूत की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि ये आरोप झूठा है। उन्होंने आरोप लगाया कि ओवैसी जब भी किसी मुद्दे पर बात करते हैं तो वो हमेशा BJP को समर्थन देते हैं। बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM निर्मल में चुनाव नहीं लड़ रही है, लेकिन ओवैसी TRS उम्मीदवार P इंद्रकरण रेड्डी के लिए प्रचार कर रहे हैं। यहाँ इंद्रकरण रेड्डी का मुकाबला कांग्रेस उम्मीदवार महेश्वर रेड्डी से है। बता दें कि तेलंगाना में 7 दिसंबर को मतदान होना है और नतीजे 12 दिसंबर को आएंगे। तो दोस्तों, आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और अगर आपकी राय इस मुद्दे से कुछ भी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।